चलें, कस्टम्स एक्ट बताया था, याद होगा तुम लोग को। मैंने बताया था कस्टम्स एक्ट इम्पोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन पर लागू होता है। कस्टम ड्यूटी बेसिकली हम उसको कह सकते हैं, शुल्क कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं, सबका मतलब एक है। और जब कस्टम्स लॉ की बात होती है तो हम लोग कस्टम्स एक्ट 1962 की बात करते हैं, और कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 की बात करते हैं, और कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007 की बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, वो बाद में देखेंगे, फाइनल का मैटर है। लेकिन अगर हम बात करें कस्टम्स में, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ देखी थी। पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब था एक्साइज ड्यूटी एंड वैट को, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी किसके लिए थी? वैट के लिए हो गया। और प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी, इन टोटैलिटी देयर 7 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। चलो, इसके अलावा आगे हम लोगों ने देखा था चार्जिंग सेक्शन, याद होगा। चार्जिंग सेक्शन में देखा था एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट कस्टम ड्यूटीज टू बी चार्ज, कस्टम ड्यूटीज टू बी चार्ज ऑन द इम्पोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हाँ है ना, विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू नॉर्मली, और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट गुड्स दोनों पर चार्ज किया जाएगा, ये भी देखा था। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़े थे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की मीनिंग देखी थी। चलो, आज जो हम लोग को देखना है बेसिकली, अच्छा इसमें हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन में और पढ़ा था एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट में सेक्शन 13 नो ड्यूटी ऑन प्रिफर्ड गुड्स, सेक्शन 22 रिड्यूस्ड ड्यूटी ऑन डैमेज्ड गुड्स, सेक्शन 23 में देखी थी दो चीज़ें, रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन डिस्ट्रॉयड गुड्स और नो ड्यूटी ऑन रेलिंक्विश्ड गुड्स। यानी कि अगर हम रेलिंक्विश कर देते हैं टाइटल ओवर गुड्स का, पोजीशन का, तो हमारा ड्यूटी चार्ज नहीं होता, ये देख चुके थे हम लोग। अच्छा, फिर हम लोग आगे बढ़े थे, टैक्सेबल इवेंट्स देख लिया था इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट के केस में जैसे ही कस्टम बैरियर के अंदर एंट्री कर गया सामान, हाँ है ना, और जब तक वो क्लियर ना हो जाए, चाहे होम कंजम्पशन के लिए डायरेक्ट, चाहे वो वेयर हाउसिंग के बाद से वेयर हाउसिंग से क्लियर ना हो जाए, तब तक वो कस्टम बैरियर्स में रहता है, देख लिया था इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट देख लिया था, जब तक वो कस्टम बैरियर में रहता है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने, बिल ऑफ शिपिंग बिल फाइल करना या एक्सपोर्ट बिल फाइल करने से रिलेटेड, जैसे ही वो बिल फाइल कर देता है, इसका मतलब वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, और कब तक एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब तक वो बैरियर्स को क्रॉस ना कर जाए, यही तो बताया था। आज हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी सेक्शन 12 की चार्जिंग सेक्शन, तो उसमें हम लोगों ने देखा था वैल्यूएशन, जाहिर सी बात है केवल ड्यूटी चार्ज करना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन किस वैल्यू पर चार्ज होगी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाँ या ना। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कस्टम एक्ट में, तो दो तरह से करेंगे, पहला इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर, और दूसरा टैरिफ वैल्यू के हिसाब से ट्रांजेक्शन वैल्यू तय करना। कस्टम्स एक्ट में दो तरीके से हम लोग वैल्यू तय करते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू, पहली जो हम लोग के बीच में लेन देन हो रहे हैं दैट इज़ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, और दूसरा अगर टैरिफ वैल्यू डिसाइड की गई है तो वो टैरिफ वैल्यू हमारी मान ली जाएगी क्या? ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्लियर? जरा ढंग से देखें, वैल्यूएशन ऑफ, जो अब हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है और एक्सपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है? वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जरा ढंग से देखें, द ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू, बोल सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स वुड बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू इफ, बोल सकते हैं, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, ठीक है,
हम एक्सपोर्टर है, मैं सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ। चलो हम पहले किसकी बात करें, इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की? चलो हम बात करते हैं इंपोर्ट की। बात करते हैं सामान तुमसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तुम विदेशी हो, मैं इंडियन हूँ, मैं तुमसे सामान खरीद रहा हूँ। अब मैं वो ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या लूँगा इंपोर्टेड गुड्स पर, जरा ढंग से देखना। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स शैल बी या ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स विल बी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, बोल सकते हैं एक्सपोर्ट टू इंडिया, बोल सकते हैं इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट टू इंडिया का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट होना, बाहर से हिंदुस्तान में सामान आ रहा है। फिर से मैं बोलता हूं, ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू या प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल, याद आ रहा होगा ना, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। एक्सरसाइज नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कस्टम, और वो भी इंपोर्टेशन। तो वो अमाउंट जो चार्ज किया जाता है इंपोर्टेंस तुम लोग का इंपोर्टेशन के समय, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड टू एक्सपोर्ट इंडिया इन इंडिया या फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वेयर द इंपोर्टर एंड द एक्सपोर्टर सेलर और बायर नॉट द रिलेटेड पर्सन एंड द प्राइस चार्ज बाय द इंपोर्टर या एक्सपोर्टर व्हेन द प्राइस चार्ज बाय द एक्सपोर्टर इज द सोल कंसिडरेशन। सेम वही चीज है जो हम लोगों ने कई बार देखी, फिर से वही चीज देखते हैं लेकिन चेंज करके। ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वेयर द बायर एंड सेलर्स आर नॉट द रिलेटेड पर्सन द प्राइस चार्ज बाय द पर्सन इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स वुड बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। दिस इज आर ट्रांजेक्शन वैल्यू, बट इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। एंड इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में कुछ जोड़ा जाएगा, डिजाइनिंग वर्क। कौन सा वर्क? डिजाइनिंग वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये देखें पूरी एक लिस्ट दी हुई है बकायदा, और ये केवल अकेले लिस्ट नहीं है, ढंग से देख लें पहले इसको। कमीशन एंड ब्रोकरेज दिया है, डिज़ाइन वर्क दिया है, इंजीनियरिंग वर्क दिया है नहीं दिया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है नहीं दिया है, इंश्योरेंस, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, एंड द लास्ट इज लोडिंग लोडिंग अनलोड लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। इनको भी शामिल करो ट्रांजेक्शन वैल्यू में, इनको हटा मत देना, इनको भी शामिल करो ट्रांजेक्शन वैल्यू में। अब पूरा हम लोग एक बार देखते हैं क्या लिखा है ये पूरा कंप्लीट पैरा। वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स, यानी जो इम्पोर्टेड गुड्स की वैल्यू होगी उसी को हम ट्रांजेक्शन वैल्यू मानेंगे इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स द ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन वेयर द बायर एंड द सेलर आर नॉट द रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द गुड्स। Subject to such condition as may be specified in the rules made in this behalf, custom valuation rules 2007. मैंने कहा ना हम लोग को नहीं पढ़ना, क्यों? चले, the transaction value in addition to the price as aforesaid, इसके अलावा जो ऊपर बताया गया है उसके अलावा भी price पे कुछ जोड़ करके हम लोग transaction value निकालते हैं, shall include any amount of paid or payable for cost and services which includes commission and brokerage, engineering, design work, royalty and license fees, cost of transportation, insurance and loading, unloading and handling charges, that's it, to the extent in the manner specified in the rules. कुल मिलाकर ये है हम लोग की transaction value of या valuation of imported goods. तो valuation of imported goods हम लोगों ने देखा transaction value के basis पर, valuation of imported goods हम लोगों ने देखा transaction value के basis पर। तो transaction value of the goods shall be, पहला
where the price actually paid or payable for the goods when sold for export to India, for delivery at the time and place of importation, where the buyer and the seller are not the related person and the price charged by the seller is the sole consideration, and includes in addition to the above commission and brokerage, design work, engineering work, royalty and license, transportation costs, loading, unloading and handling charges, that's it. Insurance. Clear hai? Pakki baat hai? Isme koi doubt hai? अच्छा, अब एक्सपोर्टेड गुड्स की अगर वैल्यूएशन निकालें तो वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू था, उसी तरह वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू. अब वही चीज़ बोलते हैं, वेयर द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सेल फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट टू इंडिया नहीं, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं, एक्सपोर्टेशन, वेयर द सेलर एंड द बायर्स आर नॉट द रिलेटेड पर्सन, एंड द लास्ट प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, दैट्स इट. एक्सपोर्ट की यही वैल्यू. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? आगे दिया हुआ है सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 में, जरा ढंग से देखो तो वहां पर दिया है टैरिफ वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स ऑन टैरिफ वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वैल्यू. अगर बोर्ड CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को उचित लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है, CBEC लिखा है, अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को जेन्युइन लगता है कि किसी इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्टेड गुड्स पर एक टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दो, इट इज़ ऑफ नो यूज टू कैलकुलेट और गेट द ट्रांजेक्शन वैल्यू, देन गुड्स मस्ट बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड. बोर्ड नोटिफाई करेगा कि ये वो सामान है जिन पर टैरिफ वैल्यू फिक्स है और उस टैरिफ वैल्यू के हिसाब से ही हम उन पर वैल्यूएशन कर सकते हैं, दैट्स इट. अब क्लियर हुआ? बात खत्म. नहीं समझ में आई बात? तो जिन जिन पर टैरिफ वैल्यू लगेगा उन उन पर टैरिफ वैल्यू के बेसिस पर हम लोग चार्ज करेंगे, उसी टैरिफ वैल्यू जो आएगी उसी को मान लो ट्रांजैक्शन वैल्यू. बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल लो, जो टैरिफ वैल्यू फिक्स किए है उसी को मान लो ट्रांजैक्शन वैल्यू. बात खत्म. मान लो हमने 1,00,000 रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया जिस पर RSP लिखी हुई है, उस पर MRP लिखी हुई है 1,00,000. 80% हमारा क्या है? टैरिफ वैल्यू है. तो 1,00,000 का 80% टैरिफ वैल्यू हो गया. 80,000 पर टैक्स है 10%, तो 10% टैक्स आ जाएगा 8,000. सीधे सीधे टैरिफ वैल्यू. क्लियर है? जरा देखें, द CBEC में फिक्स टैरिफ वैल्यूज फॉर एनी क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स हैविंग रिगार्ड टू द ट्रेंड ऑफ वैल्यू ऑफ सच और लाइक गुड्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो. और जब हम लोग सेक्शन 2 यानी सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 को फॉलो करते हैं तो सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 को किनारे कर देते हैं. जब टैरिफ वैल्यू की बात आएगी, CBEC की नोटिफिकेशन की बात आएगी, तो वहाँ पर हम लोग सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 यानी कि वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू को किनारे कर देते हैं. लिखा है ओवरराइड्स, सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 ओवरराइड्स द रूल्स गिवन सेक्शन 14 सब सेक्शन 1. पक्की बात है? उसमें सोचना क्या है? जब टैरिफ वैल्यू डिसाइडेड है तो उसके लिए फिर हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू अलग से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं. पक्का हो गया? फिर से एक बार देख लें, यानी वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स की अगर बात करें तो वैल्यूएशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू और वैल्यूएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वैल्यू. वैल्यूएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू इज गिवन अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, और 14 सबसेक्शन 1 कहता है कि वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द SAC, वेयर द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, वेयर द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, जितना सामान आप हमसे लोगे या जितना पैसा आप हमसे लोगे या जितना पैसा हम आपसे लेंगे इंपोर्टेशन या एक्सपोर्टेशन के समय, वही हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी. जितना पैसा आप हमसे चार्ज करोगे या जितना पैसा हम आपसे चार्ज करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के समय, वही हमारी क्या होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू. फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंपोर्टेशन की. इंपोर्टेशन
तो जितना पैसा वो हमसे चार्ज करेगा वही हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी। द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन वेयर बोथ ऑफ दीज टू पर्सन्स आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड इन एडिशन टू दैट दीज अमाउंट्स आर टू बी इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू। पहला कमीशन एंड ब्रोकरेज, डिजाइनिंग वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, लैंड हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्लियर है। और अगर एक्सपोर्टेशन की बात की जाए, व्हेन द प्राइस इज एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन वेयर बोथ ऑफ दीज टू पर्सन आर नॉट द रिलेटेड पर्सन एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, दैट्स इट। लेकिन अगर टैरिफ वैल्यू में डिसाइड हो गया है, बेटा टैरिफ वैल्यू में डिसाइड हो गया है, सीबीएसई ने नोटिफाई कर दिया सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में, तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ओवरराइड हो जाएगा और सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे और उसी टैरिफ वैल्यू के हिसाब से ही हम लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू या उस वैल्यू पर इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। कितनी बढ़िया बात बोला, पेड और पेबल फॉर गुड्स व्हेन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से जितना पेड और पेबल है, ऐसे समझो ना, ठीक है ना। क्या डेट लेंगे ड्यूटी चार्ज करने के लिए, क्या डेट लेंगे, और जब भी हम इनवॉइसिंग करेंगे तो वो डॉलर्स में, यूरो में, पौंड में, इस तरह से करेंगे, उनको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें ना करें, करें या ना करें। जो हमारा बोर्ड है ना, ध्यान देना, मैंने बात की बोर्ड, वही फॉरेन एक्सचेंज रेट तय करता है डेली टू डेली। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, बोर्ड, ये बिल्कुल दिमाग में बात बैठा लेना, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का नाम ना डाल देना। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बोर्ड सीबीईसी, वो डे टू डे रेट्स तय करता है, एक्सचेंज रेट्स तय करता है और उन्हीं एक्सचेंज रेट्स पर हमको कन्वर्जन करना पड़ता है। डेली रेट्स तय करता है और उन्हीं कन्वर्जन रेट्स, उन्हीं रेट्स को हम बेस लेकर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में और उसके बाद ड्यूटी निकाली जाती है। क्या वो एक ही रेट तय करेगा या एक से ज़्यादा रेट तय कर सकता है, दो रेट तय करता है, एक सामान खरीदने वाला रेट अलग, यानी कि कन्वर्जन फॉरेन करेंसी खरीदने वाला रेट अलग, फॉरेन करेंसी बेचने वाला रेट अलग, बाइंग रेट अलग होता है और सेलिंग रेट अलग होता है, बाइंग रेट अलग होता है और सेलिंग रेट अलग। अच्छा चलो, किस दिन का रेट पिक करेंगे हम लोग, मैंने $10,000 का सामान बेच दिया, बिल ऑफ एंट्री एक दिन भरी, सामान निकला 10 दिन बाद, एडवांस में भर सकते हैं ना, सामान आया उसके एक महीने पहले के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं, बताया था, बड़ी टेंशन का काम है, 20 दिन पहले ही बिल ऑफ एंट्री भर दी और सामान आया बाद में, किस दिन का करें। तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल अलग होती है और एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री अलग होती है, हाँ या ना, शिपिंग बिल नहीं मालूम है, बताया था ना ये सब, तो वेसल के केस में क्या होता है, एयरक्राफ्ट के केस में होता है, व्हीकल के केस में क्या होता है, देख लेना। अब थोड़ा हम शॉर्ट में चल रहे हैं कि जब हम लोग बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल करते हैं एक्सपोर्ट के समय, या शिपिंग बिल जिस दिन देते हैं, शिपिंग बिल ऑफ एंट्री या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जिस दिन हम देते हैं, बिल ऑफ एंट्री नहीं, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल, इंपोर्ट के समय बिल ऑफ एंट्री लगती है और एक्सपोर्ट के समय बिल ऑफ एक्सपोर्ट लगता है, तो एक्सपोर्ट के समय जो बिल ऑफ एक्सपोर्ट है या शिपिंग बिल है, उसी दिन जिस दिन मैंने बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल भरा है उसी दिन का रेट ले लेते हैं। अब बात समझ में आई, रेट उसके एक दिन पहले कुछ हो सकता है, उसके एक दिन बाद कुछ हो सकता है, तो एक्सपोर्ट के समय जब हमने शिपिंग बिल फाइल की है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया है, बस उसी दिन का रेट ले लो सीबीईसी का, कन्वर्जन कर लो। अब समझ में आया, अब ड्यूटी निकल जाएगी, अब ड्यूटी निकल जाएगी, एक $10,000 है, हमने जिस दिन शिपिंग बिल भरा उस दिन $1 की कीमत 60 रुपये है,
तो 10,000 × 60 कर दो, रुपीज़ में आ गया, मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से, ड्यूटी से, आ जाएगा तुम्हारे पास तुम्हारा अमाउंट ऑफ ड्यूटी। क्लियर? हाँ या ना? तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो जिस दिन भरते हैं उसी दिन का हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्सचेंज रेट ले लेते हैं। और एक्सचेंज रेट तय किसने किया है? बोर्ड ने तय किया है। बाइंग रेट अलग है और सेलिंग रेट अलग है, ये क्लियर है। और जब सामान हम इम्पोर्ट करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, और उस बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय, ढंग से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल की उसी डेट पर कन्वर्जन भी लेंगे। लेकिन बिल ऑफ एंट्री हमने एडवांस में दाखिल कर दी, और उसके बाद जहाँ जाकर लाइन में खड़ा हो गया, उसको बर्थ मिलने में टाइम लग गया, 6 दिन 7 दिन 8 दिन टाइम लग गया, तो बिल ऑफ एंट्री की डेट या बर्थ वाली डेट, जो दोनों में से बाद में हो, बर्थ का मतलब तुम पैदा होने से ले लेना, ठीक है ना, बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, बर्थ का मतलब पैदा होना। जब बर्थ बाद में मिली है तो रेट पहले कैसे हो जाएगा? नहीं, सीधी सी बात है, जब बर्थ बाद में मिली, अब ट्रेन की बर्थ समझो या पैदा होने वाली बर्थ समझो, जब बर्थ बाद में मिली है तो उसके पहले का डेट कैसे ले लोगे? और अगर मान लो बर्थ मिल गई, बिल ऑफ एंट्री मैंने बाद में दाखिल की है, तो बर्थ मिलने से क्या होता है, जब तक हम बिल ऑफ एंट्री ना दाखिल करें तब तक तो हमारा एक्सचेंज रेट लागू नहीं होगा। बेस क्या है? बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ बर्थ, विच एवर इज लेटर। क्लियर है? तो इम्पोर्ट के समय दोनों में से जो बाद में हो, बिल ऑफ एंट्री या डेट ऑफ बर्थ, विच एवर इज लेटर। लेकिन एक्सपोर्ट के समय बिल ऑफ एक्सपोर्ट जिस दिन भरते हैं वही हमारा डेट होता है डिटर्मिनेशन करने के लिए कि एक्सचेंज रेट कौन सा लें। ठीक है ना? पक्की बात है। दैट इज ओवर। वैल्यूएशन हो गया। देखें, साफ साफ लिखा है यहां पर, नेक्स्ट हेडिंग, डेट रेलिवेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर इंपोर्टेड गुड्स, लिखा हुआ ना, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, अंडरलाइन कर लें। एक्सपोर्ट गुड्स के समय शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट लिखा है ना? हाँ या ना? और नीचे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड, अंडरलाइन कर लो, फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसी इंटू फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी इंटू इंडियन करेंसी, इंडियन को फॉरेन में कन्वर्ट करना, फॉरेन को इंडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो रेट लेंगे। देखो एनालिसिस में साफ साफ लिखा है, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज नोटिफाइड बाई 3 एजेंसीज, सीबीआई, क्यों, सीबीएसई, आरबीआई लिखा है, एंड फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये तीन लोग हमारे फॉरेन करेंसी के रेट्स तय करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉरेन एसोसिएशन। हाँ, हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन अंडर कस्टम, रेट नोटिफाइड बाई बोर्ड शैल बी टेकन इन टू अकाउंट। वही चीज लिखा है, हम लोग फालतू में पढ़ रहे हैं, तीन लोगों के रेट्स मिलेंगे, अब उसमें से चुनना हो कौन सा रेट चुने, जो सबसे सस्ता हो ना, कस्टम के लिए केवल बोर्ड का रेट लोगे, ठीक है ना। देयर आर सेपरेट रेट्स फॉर इम्पोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, मैंने बताया, तो सेलिंग रेट और बायिंग रेट दोनों अलग हो सकते हैं। डेट फॉर डिटर्मिनेशन द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन बता दिया, ये इंपोर्टेड गुड्स के समय जब बिल ऑफ एंट्री भरी जाती है, हम सामान होम कंजम्पशन के लिए निकाल रहे हैं, बिल ऑफ एंट्री जब भरोगे, देखो तो डबल स्टार लगा हुआ, डबल स्टार के बाद नेक्स्ट पेज पर ये दो लाइनें लिखी हैं, विच एवर इज लेटर वाली लिखी है ना, बोलो, जब इंपोर्ट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ या शिपिंग बिल ऑफ एंट्री, विच एवर इज लेटर। मैं पढ़ता हूँ, इन केस द गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड बाय अ वेसल और एयरक्राफ्ट, द डेट ऑफ ड्यूटी, द रेट ऑफ ड्यूटी एंड द टैरिफ वैल्यूएशन शैल बी द रेट एंड वैल्यूएशन इन फोर्स ऑन द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड और द डेट ऑन विच एयरक्राफ्ट टेक्स प्लेस। हाँ या ना? अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्स प्लेस, जो दोनों में से बाद में। हो गया। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी हम बता चुके हैं सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी हो गया था,
इम्पोर्ट प्रोसीजर हो गया था, एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो गया था, और उसके बाद आपका टॉपिक क्या हो गया है, खत्म। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहें तो कंप्लीट टॉपिक 10 से 15 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था वो वहाँ तक पढ़ने के बाद आपको केवल इम्पोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर और टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, बस इतना पढ़ लें आपका पूरा टॉपिक खत्म, बाकी तो रिवीजन किया ही आते ही, क्यों तो ज़्यादा नहीं है कस्टम में। ठीक, थैंक यू बच्चों।